पूरे प्रदेश में शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है और हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ में, और शराब जो बिक्री हो रहा है उसका भी हम लोगों, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने साक्ष्य के साथ दिखाने का काम किया है, और आप कई चैनल भी उनके खिलाफ में दिखाया है कि पूरे बिहार में धड़ल्ले से शराब रोक जो लगी है वो धड़ल्ले से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हमको लगता है कि सरकार द्वारा संरक्षित यह कार्यक्रम है और सरकार के जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख में, और कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, उनके प्रभाव में से ही शराब का धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, और कहीं शराब रुका नहीं है, शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। सरकार इसको मानने को तैयार है कि हाँ शराब बिक रहा है। जब पटना जैसे जगहों में 11 करोड़ 9 करोड़ का शराब पकड़ाता हो तो कहीं ना कहीं आपके पुलिस पदाधिकारी हो वो दोषी है, सरकार दोषी है, क्योंकि उनके बॉर्डर से वो आ रहा कहाँ, चाहे वो झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे वो फिर नेपाल से दूसरे देशों से आ रहा हो, तो ये बॉर्डर पर आपके सिपाही, आपके कर्मचारी, आपके पदाधिकारी और आपके आपकी सरकार क्या कर रही है, तो इससे खुलासा है। और जनता भी जान रही है कि निश्चित रूप से सरकार इसको धड़ल्ले से शराब बिकवा रही है और अपने लोगों से ही इसको धंधा। ये 12 लोगों का जो नॉमिनेशन जो लोग बने हैं विधान पार्षद, उसको लेकर माझी और मुकेश सहनी, ये तो स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक है, वो गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, उनका हक बनता था, और माझी जी को भी निश्चित रूप से एक सीट मिलना चाहिए था, वीआईपी को भी एक सीट मिलना चाहिए था। अब तो इस मामले पर उनको एक्शन लेना चाहिए और करा तेवर अपनाना चाहिए। जब उनका भी हक बनता, सरकार बनाने में उनका भी योगदान है, तो निश्चित रूप से दोनों आदमी को का हक मारी हुई है, इसलिए अब लोगों को एक्शन लेना चाहिए। उनके एक्शन पे आप लोग भी नज़र रखें। नहीं, नज़र क्या रखना है, जो जिस जो आता है उसका स्वागत है, नहीं आता है कोई बात नहीं है।